हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी लेकर आ गया हूं आपको एक और अनसीन पैलेस दिखाने के लिए। जी हां, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक मस्जिद जो कि काफी टाइम से छिपी है। और हां, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आप इस मस्जिद के पास से सैकड़ों बार निकले होंगे लेकिन आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ खैरुल मनाज़िर मस्जिद दिखलाने के लिए। तो कहाँ है ये मस्जिद, किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, ये सब मैं इस व्लॉग में आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो गाइज, यहाँ आने के लिए आप ये देख रहे हैं, ये है मथुरा रोड। ये मथुरा रोड है, सामने आप देखेंगे जू है और इसके जस्ट पास में ही है ओल्ड फोर्ट। अब आप यहाँ से जो है सैकड़ों बार जो है निकलते होंगे, शायद आपकी नजर यहाँ नहीं पड़ी होगी। तो ये जस्ट इनके अपोजिट ही ये मस्जिद है। तो आइए इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और ये मस्जिद मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आइए। जब आप यहाँ इस परिसर में आएंगे तब आप यहाँ देखेंगे बोर्ड लगा हुआ खैर उल मनाजिल मस्जिद का। तो ये खैर उल मनाजिल मस्जिद किसने बनाई थी ये मैं आपको बतला देता हूँ। अकबर की जो दाई माँ थी महामंगा, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने अकबर को बचपन से पाला था तो उन्होंने ये मस्जिद जो है बनवाई थी। तो ये मस्जिद मैं अंदर से आपको दिखलाने वाला हूँ, साथ साथ इस मस्जिद के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है। जब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी तो अकबर यहाँ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के सफ़र पर थे तो उनको जो है यहाँ पर किसी ने हमला किया था, जानलेवा हमला उन पर इस मस्जिद के आसपास यहीं पर हुआ था। खैर, वो हमला तो विफल रहा था। तो मैं ये मस्जिद आपको दिखलाता हूँ। तो ये इस मस्जिद का ये है एंट्री गेट। ये आप देखिए कितना भव्य और शानदार इस मस्जिद का ये गेट जो है बना हुआ है। छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर। तो गाइज, मैं आ गया हूँ यहाँ अंदर। अंदर से आप ये देखिए, ये है इसका मेन गेट। इसके साइड में आप देखेंगे तो ये हुआ करता था उस टाइम पर मदरसा। तो ये आप देखेंगे, ये दो मंजिल का मदरसा उस टाइम पर हुआ करता था। इसके दोनों साइड में, मस्जिद के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। बाकी आप मस्जिद देखिए, तीन मेहराबदार गेट, एक ये गुंबद, और इधर भी बताया जाता है कि इधर भी जो है ये मदरसे का ही पार्ट है। ये साथ में यहाँ पे कुआं दिया हुआ है जिसमें पानी बहुत मीठा है और मैं आपको ये पीकर दिखलाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है उस टाइम का वजू खाना। ये वजू खाना आप देख रहे हैं, वजू खाने के जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कुआं। ये कुआं भी तभी का है जब ये मस्जिद तामीर कराई गई थी, यानी कि लगभग 500-600 साल पुराना ये कुआं है। और ये कुआं, मस्जिद की बात है कि ये कुआं आज भी वर्किंग है। इस कुएं से आज भी पानी निकल रहा है, डोल पड़ा हुआ है, डोल से पानी निकाला जाता है। तो चलते हैं और डोल के थ्रू ट्राई करते हैं। पहली बार मेरी लाइफ में पहली बार होगा कि मैं डोल के थ्रू पानी निकाल कर पीने वाला हूँ। आइए।
तो गाइस चल रहे हैं कुएं पे और कुएं से जो है पानी निकालते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैंने आज तक डोल से पानी नहीं निकाला है बॉस, फर्स्ट टाइम है मेरा डोल से पानी निकालने का। तो आइए ट्राई करते हैं कैसे निकलता है पानी डोल से। और ये गाइस पानी आ चुका है, ये आप देखिए। बेहतरीन पानी है। तो गाइस इस पानी को टेस्ट करते हैं हम, कहाँ हम आरओ का और टंके का पानी पीने वाले लोग, आज कुएं का पानी टेस्ट करते हैं। बेहतरीन है यार पानी, एकदम बढ़िया है पानी, पानी एकदम बेहतरीन है यार, साफ पानी है भाई। उसको एक्चुअल में ना कवर्ड कर दिया जाता है बाद में ना, कवर्ड कर देते हैं और बंद कर देते हैं ताकि उसमें कुछ और चीजें ना गिर पाए उसमें। तो ये तो बहुत एक्सपीरियंस आपका पानी भाई, पानी बहुत अच्छा है यार और मस्जिद माशाल्लाह काफी अच्छी है। अभी अंदर चलते हैं और अंदर से भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं मस्जिद, अभी जो है क्योंकि नमाज का टाइम है तो नमाज हो रही है अभी, तो अभी जो है अंदर की इजाज़त नहीं है वीडियो बनाने की। नमाज हमारी हो गई है, हमने नमाज अदा कर ली है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर फजर की और इशा की नमाज यहाँ पर नहीं होती है। तो गाइस आप कभी भी यहाँ आए तो यहाँ पर आकर नमाज अदा कर सकते हैं, जोहर की, असर की और मगरिब की, तीन वक्त की नमाज यहाँ पर होती है। ये आप देख रहे हैं ये है उस टाइम का मदरसा, ये मदरसा हुआ करता था उस वक्त में, ये आप देखिए। ये उस टाइम पर यहाँ पर मदरसा हुआ करता था। ये आप देखिए, बाकी आप ये मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत और शानदार ये मस्जिद है। कुएं से आगे की तरफ चलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखलाता हूँ एक और पुराना कुआं है यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। ये गाइस इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है बंद कुआं, जो कि पहले शायद इस्तेमाल होता होगा लेकिन आज की डेट में वो बंद हो गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। ये आप देखिए, तो यहाँ पर ये एक बंद कुआं, ये भी मैंने आपको दिखलाया। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये जगह दिखलाने की, और एक ये अनसीन पैलेस, दिल्ली का एक और अनसीन पैलेस आपको दिखलाने की। तो होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।